हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? तो आज तारीख है 16 फरवरी और दिन है बुधवार का, और मैं आई हूँ खेत में। लाइन चला दी है, ये देखिए। और अभी जाऊंगी अगले खेत में, ये पंप लेके आऊंगी क्योंकि काशनी भरनी है आज। लाइन चलाऊंगी थोड़ी देर, लगभग बस आधा घंटा चलाऊंगी क्योंकि हवा चल रही है। तो चलते हैं खेत में, सरसों में, गेहूं में पानी लगा रखा है और सरसों लगभग 15 दिन में लावणी आ जाएगी। तो अब लेके आऊंगी एक पंप काशनी करने के लिए। ये देखिए गेहूं, घर ज्यादा दूर नहीं है। ये देखिए भैंस के लिए हरा चारा काट लिया है, और अब चलते हैं आगे, एक पंप लेके आना है। तो ये है सरसों, और इधर लगा हुआ है रैंप, जो रेत, एक मिनट दिखाती हूँ आप सबको। और ये पंप निकाल लिया है, ये देखिए 10 फुट का, क्योंकि काश में पानी देते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो पंप को बाहर रख के आप सबको दिखाऊंगी रैंप, साइड के खेत में लगा हुआ है। आवाज आ रही होगी ट्रैक्टर की। के बाद मैं बना रही हूँ चाय, और इधर कर रही हूँ घी गरम। सुबह में किया था, फिर फ्रीजर में रख दिया था, और फिर इसका जो एक्स्ट्रा पानी छाया जो भी होता है वो निकालने के बाद दोबारा से गरम कर रही हूँ। और बाबा जाने के बाद कोई ना कोई गांव से आता रहता है पूरे दिन। तो अभी खेत से आने के बाद मैं बना रही हूँ चाय, अब पियेंगे चाय, फिर दोबारा से खेत में जा के और फिर मोटर ऑन करके आऊंगी घर के लिए। तो जिस जिसको चाय पीनी है आ जाओ, और टाइम है 1:10 बजे। दिखा देती हूँ टाइम, ये देखिए। ये देखिए सारी क्यारी भर दी है, सिर्फ ये बाकी है। अब जा रही हूँ खेत में मोटर बंद करने के लिए। तो आज पूरा दिन किया है खेतों का काम, गेहूं में पानी लगाया, फिर काशनी भरी पीछे की, और अब 4 बज चुके हैं और मैं लग रही हूँ क्यारी को खोदने में। आगे बोएंगे इसमें बाजर। पालक काट लिया है और ये धो लिया है, और लाल पीली दाल बना रही हूँ, मूंग और मसूर की।
मूंग की धुली हुई, और इधर गैस पे रखा हुआ है दूध। और अब इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। और पूरा दिन से काम ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि खेतों का काम होता है। और ये नमक, और बाद में इसमें हींग, जीरे और लहसुन का छौंक देंगे। बिल्कुल सिंपल, ना कोई मिर्च मसाला,